सुबह सुबह एक गाड़ी लग रहा है, अभी बात चल रहा है, ये तीनों लग रहे हैं, तीनों का गाड़ी का बात चल रहा है। गाड़ी में खाना पीना सब कुछ कैसे बना लेते हैं? बहुत प्रॉब्लम होता होगा गाड़ी में। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैं वापस से अपने घर आ चुका हूँ बिहार में। मुंबई से वापस आ गया था मैं परसों ही, तो मैंने कल शूट किया नहीं क्योंकि परसों आया तो फिर मुझे इतना नींद लग रहा था क्योंकि ट्रेन में सो नहीं पाया था, बस में भी सो नहीं पाया सही से। तो कल पूरा दिन भर मैं जो है कि नहा वहा के फिर सो गया था, पूरा कल दिन भर मैंने सोया ये, तो आज उठाऊँ तो अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और घर का भी जो है अभी घर में भी अभी काम वगैरह वही सब चल रहा है, घर का जो मैं गया था तो अभी भी काम चल रहा था, तो अभी भी प्लास्टर वगैरह का काम चल ही रहा है। तो आज मैं दिखाता हूँ आप लोगों के घर का क्या क्या काम हुआ है। और अभी फ़िलहाल मैं कल वाला जो वीडियो मैंने बनाया था मुंबई से भाई बिहार आने का ट्रेन का जर्नी वाला वीडियो, तो वो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग जरूर जाके देखना। तो अभी फिलहाल मैं नहा के आ चुका हूँ, एकदम सुबह सुबह नहा लेने के बाद एकदम ठंडा ठंडा लगता है, तो अभी मैं नहा के आ चुका हूँ और अभी फिलहाल मैं जाने वाला हूँ पापा के साथ काम पे, क्योंकि वैसे मेरा पढ़ाई का तो अब एक ग्रेजुएशन हो ही गया, तो पढ़ाई तो हो ही गया, अब थोड़ा काम वाम भी कर लेते हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ पापा के साथ काम पे और फिलहाल अभी बस नहा के रेडी हूँ, अब निकलते हैं। कालू बाइक लेके आ रहा है। बात चल रहा है, ये तीनों लग जाएगा, तीनों का गाड़ी का बात चल रहा है। नाश्ता करते हैं भाई साहब, तो अभी मैं जा रहा हूँ ये वाला गाड़ी को वहाँ पे लोडिंग में छोड़ने के लिए। तीनों गाड़ी लोडिंग में चला गया, वो दोनों तो चला ही गया, ये थोड़ा दूर है, तो मैं खुद से जा रहा हूँ वहाँ पे छोड़ने के लिए। तो अभी आज जो है सुबह में ही तीनों गाड़ी लोडिंग में लग चुका है और आज से मैं भी काम पे आ गया हूँ और आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। तो अभी देखिए, अभी मैं ट्रक में जा रहा हूँ वहाँ पे छोड़ूंगा, फिर वहाँ से मुझे ऑटो वगैरह करके खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि बाइक लेके जा नहीं रहा हूँ, बहुत दूर पे है बाइक। पापा जी के भी ऑफिस के पास खड़े हुए हैं। गाड़ी में खाना पीना सब कुछ कैसे बना लेते हैं? बहुत प्रॉब्लम होता होगा गाड़ी में। अरे यार, हम बनाते नहीं, वैसे ही पड़ा है, जब चेला रखते थे ना तब बनाते खाते। गाड़ी चलाना भी इतना आसान नहीं होता, इतना सब गाड़ी में खाना पीना रहना सोना बहुत बेकार है यार। बहुत बेकार है क्या? ट्रक में भी बहुत मुश्किल है। देखो, कोई भी काम बढ़िया नहीं है, काम वही है जो पढ़ाई पे मान लीजिए डिफेंड करता है, काम वही काम सही है। जैसे मान लीजिए इंजीनियर हो गया, पायलट हो गया, यहीं पे सोते हैं, यहीं पे सोते हैं और यहीं पे गाड़ी वाड़ी सब सही है। केबिन में तो अच्छा बना हुआ है। मैंने गाड़ी तो जो है कि वहाँ पे लोडिंग में लगवा दिया, अब मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ तो ऑटो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो ऑटो का वेट कर रहा है। बीरपुर चौक से पटना जा रहा हूँ, ऑटो ही नहीं मिलता इस रूट में, अभी देखता हूँ मिलने से जाता हूँ। अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और आते के साथ पहले तो मैंने खाना खाया, इतना भूख लगा हुआ था ना मुझे। और एक तो आते आते 2 बज गए, वहाँ से ऑटो मिल ही नहीं रहा था, उस लाइन से आते आते वहाँ से 2-3 घंटे लग गया और 2 ऑलमोस्ट बज गया, तो भूख भी लगा था। तो आते के साथ पहले मैंने जाके घर में खाना खाया, उसके बाद अभी मैं आके यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि इतना धूप है। एक तो आज मेरा फर्स्ट डे था, पहला दिन था काम पे जाने का, तो आज मुझे पता चला कि इतना गर्मी में कैसे पापा लोग काम रहते हैं, काम में इतना दिन भर धूप में, इतना आज इतना धूप था ना मेरा, तो भाई हालत ख़राब हो गई आधा ही दिन में, 2 बजे तक नहीं। और पापा अभी तक शाम तक अभी भी ऑफिस पे ही है, तो सोचो यार वो लोग मतलब इतना धूप में कैसे रह लेते हैं। वैसे अभी आज मेरा पहला दिन था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट मैं जब रेगुलर जाने लगूँगा तो फिर आदत तो पड़ ही जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं घर पर आ चुका हूँ, तो अभी मैं जो है कि अब जो है ट्रांसपोर्ट में अभी फ़िलहाल जो है मैं काम करने वाला हूँ, हम लोग का ट्रांसपोर्ट का काम होता है, तो मैं अभी फ़िलहाल आज से जाना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो आज गया, कल भी जाऊँगा, अब डेली जाऊँगा, तो थोड़ा धीरे धीरे सीख भी रहा हूँ। और फिलहाल
और अभी तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो ही चुका है, तो अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो है कि वीडियो सब भी आपको देखने के मिलेंगे मेरे चैनल पे, क्योंकि अभी मैं अपने काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने काम के बारे में भी थोड़ा बताऊँगा कि हम लोगों का जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो कैसे होता है, उसमें बहुत सारे, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं यूट्यूब वगैरह ये सब पे कि कोई भी ये जो काम है उसे बताता है ये काम कैसे होता है, ये काम में कोई जॉब वगैरह का जरूरत नहीं, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो फिलहाल मैं अब जा रहा हूँ, तो आप धीरे धीरे मुझे भी आदत हो जाएगी काम का और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।